पिछले दिनों 70वां राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव मनाया गया, 70th नेशनल करप्शन फेस्टिवल। ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ था मोटा मोटा मोटा, नीचे हिंदी में छोटा 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 70वां राष्ट्रीय भ्रष्टाचार महोत्सव। सभी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थानों को बुलाया गया, भेजी गई सभी को निमंत्रण पत्रावली, साथ में प्रतियोगिता की नियमावली। लिखा था प्रिय भ्रष्टोदय महोदय की जगह है, आगे कोमा भी लगा रखा था सर। प्रिय भ्रष्टोदय, आप तो जानते हैं भ्रष्टाचार हमारे देश की पावन पवित्र सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जीवन पद्धति है, हमारी मजबूरी है, हमारी आदत है। आप अपने विभागीय भ्रष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट नमूना दिखाइए और उपाधियां तथा पदक पुरस्कार पाइए। उपाधियां हैं भ्रष्ट शिरोमणि, भ्रष्ट भूषण, भ्रष्ट विभूषण और भ्रष्ट रत्न। और यदि सफल हुए आपके विभागीय प्रयत्न तो कोई भी पदक जैसे स्वर्ण गिद्ध, रजत बगुला या कांस्य कौवा दिया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार में प्रमाण पत्र और विस्की का एक एक पौवा दिया जाएगा। तो कुछ तुले कुछ अंतुले भ्रष्टाचारी, कुछ कुछ कुख्यात निलंबित अधिकारी जूरी के मेंबर बनाए गए और मोटी मोटी रकम देकर बुलाए गए। तो एक हाथ से मुर्गे की टांग चबाते हुए, दूसरे से चाबी का छल्ला घुमाते हुए जूरी का एक सदस्य बोला, मिस्टर भोला, यू नो हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे या जी चाहे जैसा करेंगे, बट बाय द वे ये भ्रष्टाचार नापने का पैमाना क्या है, हम फैसला कैसे करेंगे। तो मिस्टर भोला ने सिर हिलाया और घूरते हुए फरमाया, चाबी के छल्ले को टेंट में रखिए और मुर्गे की टांग को प्लेट में रखिए। फिर सुनिए मिस्टर मुरार का, भ्रष्टाचार होता है चार प्रकार का। अब यहां से मोदी जी ने ये इसका दिया था, उन्होंने व्याख्या करी थी अंदर। एक एक प्रकार पर आप गैर भ्रष्टाचारी तालियां बजाइएगा, ईमानदार तालियां। पहला नजराना, ये काम होने से पहले दिए जाने वाला ऑफर है और पूरी तरह से देने वाले की श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर है। दूसरा शुक्राना, ये काम होने के बाद बतौर शुक्रिया दिया जाता है, उसमें लेने वाले को अचानक प्राप्ति के कारण ना बड़ा मजा आता है। तीसरा हकनाना, यानी हक बनता है जनाब, बंधा बंधाया हिसाब, आपसी सेटलमेंट, कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 30%, लेकिन लेकिन पेमेंट से पहले पेमेंट। चौथा जबराना, यानी जबरदस्ती पाना, ये देने वाले की नहीं लेने वाले की इच्छा क्षमता और शक्ति पर डिपेंड करता है और इसमें मना करने वाला मरता है। तो नजराना का एक पॉइंट, शुक्राना के दो, हकराना के तीन और जबराना के चार, हम भ्रष्टाचार को नंबर देंगे इस प्रकार। तो रात्रि का समय, जब 8:22 पे आ गई सुई तो प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले जंगल विभाग आया, जंगल अधिकारी ने बताया इस प्रतियोगिता के सारे फर्नीचर के लिए 4,420 पेड़ कटवाए जा चुके हैं और एक एक डबल बेड, एक एक सोफा सेट जूरी के हर मेंबर के घर पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। हमारी ओर से भ्रष्टाचार का यही नमूना है। आप लोग सुबह जब स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद लोटा लेके जंगल जाओगे तो देखोगे कि वहां का एक हिस्सा बिल्कुल सूना है। हमारी ओर से यही नमूना है। अगला प्रतियोगी पीडब्ल्यूडी का, आप बिहार के प्रकरणों तक आज भी देख सकते हैं। अब आया अधिकारी पीडब्ल्यूडी का, इसने बताया अपना तरीका। हम लैंड फिलिंग यानी अर्थ फिलिंग करते हैं, अर्थात जमीन के निचले हिस्सों को ऊंचा करने के लिए मिट्टी भरते हैं। हर बरसात में मिट्टी बह जाती है और समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। जिस टीले से हम मिट्टी लाते हैं या कागजों पे लाया जाना दिखाते हैं, यदि सचमुच हमने उतनी मिट्टी को डलवाया होता तो आपने उस टीले की जगह पृथ्वी में अमरीका तक का एक आर पार गड्ढा पाया होता। अब आया पुलिस का एक दरोगा, बोले हम ना होता भ्रष्टाचार कहां होगा,
जिसे चाहे पकड़ लेते हैं, जिसे चाहे रगड़ देते हैं। हथकड़ी नहीं लगवानी 1,000 ला, जूते नहीं खाने 2,000 ला, पकड़वाने के पैसे, छुड़वाने के पैसे, ऐसे भी पैसे, वैसे भी पैसे, बिना पैसे हम हिलें कैसे। जमानत, तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, तलाशी है एनी सिचुएशन। अपनी तो चांदी है क्योंकि हर स्थिति बांधी है, डंडे का जोर है क्योंकि डंडा कठोर है। और अगली पंक्तियों पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा, डंडे का जोर है क्योंकि डंडा कठोर है। हम अपराध मिटाते नहीं हैं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं। हम अपराध मिटाते नहीं हैं, अपराधों की फसल की देखभाल करते हैं, वर्दी और डंडे से कमाल करते हैं। फिर आए क्रमशः एक्साइज वाले, इनकम टैक्स वाले, स्लम वाले, कस्टम वाले, एयरपोर्ट वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, रक्षा वाले, शिक्षा वाले, कृषि वाले, खाद्य वाले, रेल वाले, जेल वाले, खेल वाले, तेल वाले, सभी ने मत दिखाए अपने अपने घोटाले। प्रतियोगिता पूरी हुई तो जूरी का एक सदस्य बोला, देखो भाई स्वर्ण गिद्ध तो पुलिस विभाग को जा रहा है और PWD DDA रजत बगले के लिए बराबर आ रहा है, और ऐसा लगता है हमको कि कान से कौआ मिलेगा एक्साइज या कस्टम को। ये निर्णय प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक मेज फोड़कर धुएं के बादल अपने चारों ओर छोड़कर धवल धवल खादी में लकदक गरिमा महिमा उत्पादक एक विराट व्यक्तित्व प्रकट हुआ। चारों ओर रोशनी और धुआं, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया और महत्व बताया था, वैसा पवित्र पावन तो नहीं पर कुछ कुछ उसी तरह का सा था नजारा। विराट भ्रष्ट नेताजी ने मेघों जैसे स्वर में उचारा, मेरे हजारों मुंह हजारों हाथ हैं, हजारों पेट हैं, हजारों ही लात हैं, नैनम छिंदन्ति पुलिसा पुलिसा, नैनम दहति संसदा, नाना विधानि रूपाणि, नाना हथकंडानि च। ये सब भ्रष्टाचारी मेरे ही स्वरूप हैं, मैं एक हूं लेकिन मेरे करोड़ों रूप हैं, मैं एक लेकिन मेरे करोड़ों रूप। अहम अपि नजरानम, अहम अपि शुकरानम, अहम अपि हकरानम च जबरानम सर्वमन्यते। भ्रष्टाचारी, मजिस्ट्रेट, रिश्वतखोर, थानेदार, इंजीनियर, ओवरसियर, रिश्तेदार, नातेदार मुझसे ही पैदा हुए, मुझ में ही समाएंगे, पुरस्कार ये सारे मेरे हैं, मेरे पास आएंगे। तो अचानक स्वर्ण गिद्ध, रजत बगुला, कांस्य कौआ अपने अपने पंख फड़फड़ाने लगे और उड़ते उड़ते नेताजी पर फूल बरसाने लगे। जूरी के मेंबरान पर भी प्रसन्नता छाई और उन्होंने मिलकर नेताजी की एक आरती गाई। वो आरती मैं अंत में सुना देता हूं। अनेक रैली अनेक थैली, अनेक ठाठम चबाटम अनेक, अनेक दारा अनेक दारू, अनेक कुर्सी चखाटम अनेक, अनेक बंगले अनेक कोठी, अनेक फार्मम चपलाटम अनेक, अनेक बदलम दलम अनेक, अनेक थूकस्य चाटम अनेक। अनेक चमचे अनेक गुर्गे, अनेक अनेक दंडम अनेक गुंडम, अनेक लूटम चपाटम अनेक, अनेक जिह्वा अनेक जेबम, अनेक मारम चकाटम अनेक। सर्वव्यापी दंडानी नमो नमः, सर्वोपरि गुंडानी नमो नमः, सर्वोत्कृष्ट हथकंडानी नमो नमः, नोम भ्रष्टमदम भ्रष्टादम भ्रष्टाद भ्रष्टमुदच्यते, भ्रष्टस्य भ्रष्टमादाय भ्रष्टमेवावशिष्यते, नोम भ्रष्टम भ्रष्टम भ्रांति।